नुसरत जहां, वो बंगाली एक्ट्रेस जो जब संसद में पहुंची तो खूब हंगामा हुआ। नुसरत जहां आखिर क्यों विवादों में रहती है? क्यों पति के साथ फिर से विवादों की खबर आ रही है? उन पति के साथ जिन्होंने बीच सड़क पर आधी रात को गाड़ी रोक कर कभी नुसरत को प्रपोज किया था। कितनी फिल्मी है नुसरत जहां की लव स्टोरी। कौन है नुसरत जहां की कहानी में विक्टर घोष? आज आपको नुसरत जहां की कहानी बताएंगे। सबसे पहले बात नुसरत जहां की लव स्टोरी की करें। निखिल जैन बिजनेसमैन अपनी एक साड़ी की ब्रांड के लिए मॉडल ढूंढ रहे थे। एक बार दुर्गा पूजा में उन्होंने नुसरत जहां को देखा था। नुसरत जहां का नंबर भी मिला उन्हें कि भाई इन्हें लिया जा सकता है। लिस्ट जो उनकी टीम ने बनाई मॉडल्स की, उसमें नुसरत जहां का नंबर सबसे ऊपर था। तो निखिल ने कहा भाई इन्हीं को फाइनल कर लेते हैं। फाइनल कर लिया गया। नुसरत जहां ने वो एड शूट किया, वहीं निखिल से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। निखिल ने एड शूट के बाद उनके साथ एक सेल्फी भी ली। फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। निखिल ने कुछ दिन बाद उनसे कॉफी के लिए पूछा। नुसरत जहां ने हां कर दी। निखिल पहुंच गए, लेकिन नुसरत जहां कॉफी पीने आई नहीं। उन्होंने बताया निखिल को कि मेरी मम्मी बीमार है और इस वजह से मैं कॉफी पर नहीं आ सकती। उसके बाद फिर बातें जो है धीरे धीरे होने लगी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर एक दिन निखिल का बर्थडे था, पार्टी हुई। पार्टी के बाद निखिल नुसरत को छोड़ने उनके घर जा रहे थे कि अचानक उन्होंने रास्ते में गाड़ी रोक दी। नुसरत ने पूछा क्या हुआ? निखिल ने कहा गाड़ी खराब हो गई, बाहर आओ देखते हैं क्या दिक्कत है। बाहर निकले और बीच सड़क पर घुटनों के बल बैठकर निखिल ने नुसरत को प्रपोज किया और उन्हें अंगूठी पहनाई। इसके बाद तुर्की में दोनों ने शादी की। बहुत कम लोग इस शादी में पहुंचे थे। ये वो दौर था जब नुसरत टीएमसी की सांसद चुनी गई थी। जिस दौरान शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, नुसरत तुर्की में शादी कर रही थी और इसी वजह से वो शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा भी नहीं बन पाई। बाद में आकर के उन्होंने जो है शपथ ली थी और जिस अंदाज में वो संसद में आई थी, सिंदूर लगाकर, मंगलसूत्र पहनकर, उस पर भी खूब हंगामा हुआ। उनके और मिनी चक्रवर्ती जो बंगाली एक्ट्रेस हैं, संसद में मॉडर्न कपड़े पहनकर आने पर भी खूब हंगामा हुआ था। लेकिन नुसरत जहां ने कभी इन चीजों की कोई परवाह नहीं। एक और शख्स से नुसरत जहां के अफेयर के चर्चे रहे, उनका नाम है विक्टर घोष, जो एक बिजनेसमैन है जमशेदपुर। कहते हैं विदेश में ट्रेवलिंग के दौरान जो है नुसरत और विक्टर की मुलाकात हुई थी। विक्टर जो है वो एविएशन इंडस्ट्री से ही है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। तो खबरें तो यहां तक आई कि दोनों ने गुपचुप शादी कर ली और दोनों जो हैं एक घर में साथ में रहे। लेकिन कहा गया कि इन दोनों ने कभी इस दावे की पुष्टि की ही नहीं कि उनकी शादी हुई है। फिर नुसरत जहां ने शादी की निखिल जैन से। देखिए, नुसरत जहां का पूरा नाम है नुसरत जहां रूही। कोलकाता में पैदा हुई, कोलकाता में ही पली बड़ी। कोलकाता के ही आवर लेडी क्वीन ऑफ द मिशन स्कूल से नुसरत ने जो है अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद कोलकाता के भवानीपुर कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की। 2010 में नुसरत जहां ने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता, फेयर वन मिस कोलकाता। उसके बाद नुसरत जहां की मॉडलिंग की दुनिया में जो है एक जबरदस्त एंट्री। फिर बंगाली फिल्म शोत्रु से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। ये उनकी पहली फिल्म। फिर एक साल तक कोई काम नहीं मिला और फिर फिल्म मिली खोखा 420। इसके बाद उन्होंने फिल्म खिलाड़ी में काम किया। फिर दो आइटम नंबर्स में नजर आई, चिकन तंदूरी और देसी छोरी। ये दोनों ही काफी पॉपुलर हुए और इसके बाद नुसरत जहां बंगाली फिल्मों का एक जाना माना नाम बन गए। अपने अंदाज से, अपनी खूबसूरती से उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली और फिर तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से टिकट दिया, जीती, संसद तक पहुंची। इस पर विवाद भी हुआ कि भाई एक मुस्लिम होने के बावजूद उन्होंने एक जैन से शादी की। नुसरत जहां कभी भी इन आरोपों से परेशान नहीं। उनका कहना था कि मेरी जिंदगी है और मुझे बितानी है, तो मैं जिसके साथ चाहूं उसके साथ बिताऊं। नुसरत जहां अक्सर
चर्चा में रहती हैं, कभी अपनी खूबसूरती की वजह से, कभी अपनी तस्वीरों की वजह से, कभी अपने विवादों की वजह से। लेकिन सुर्खियां न उनका पीछा छोड़ती हैं, न वो सुर्खियों का पीछा छोड़ती हैं। ABP News आपको रखे आगे।